हाँ तो जी, 7वां दिन और हम अभी भी ऊपर चिट्टागट्टा में हैं। ये इस जगह पे ऊपर इधर लेक है। अभी हम ऊपर नहीं जाएंगे क्योंकि कल हम आए थे और एक बंदे की तबीयत की वजह से इधर रहना पड़ गया, और अभी चाय वाय पीते हैं, नाश्ता भी नहीं कर रहे। सही, चाय पीते हैं और हमने निकलना है। तकरीबन 2 घंटे का सफ़र है अभी नीचे, ये इधर से नीचे जाना है और 2 घंटे का सफ़र है तकरीबन। चाय पीते हैं और निकलते हैं इधर से। हम जी निकल पड़े वापस केल की तरफ। कल भी मैंने बताया कि हम निकल रहे हैं, लेकिन नहीं भी निकल पाए यार। वो दोस्त की तबीयत सेट नहीं हो रही थी, उसको रेस्ट की ज़रूरत थी। तो अभी निकलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है। वापस आ रहे हैं और ये कुछ टूरिस्ट नीचे ये ऊपर जा रहे हैं अभी। और आज यार टूरिस्ट काफ़ी हैं, कुछ ये बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं, ऊपर भी पहुंचे हुए थे। टोटल मिला के मतलब कम से कम 10-12 तो हैं ही हैं। ब्रेक ब्रो, वो ऊपर से आए हैं, इधर आके ब्रेक लगाइए, पानी शानी पीते हैं, फिर निकलते हैं आगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। पुल जो जाते हुए हमने क्रॉस किया था, इतने तक हमारा मैक्सिमम आधा घंटा लगा टोटल वापसी पे। जाते हुए 1.5-2 घंटे लग गए थे। पर डॉक 1, डॉक 2 था, और उधर से हमने बैग उठाया अपना। अभी बस वापस नीचे नीचे चलते हैं। ये कुछ टूरिस्ट रास्ते में मिल रहे हैं हमें। ये पुल है, यहाँ से ऊपर वो आवाम आ भी रही है ऊपर। ये लेफ्ट साइड पे हो जाना है, सामने उधर एक होटल सा बना हुआ है, उसे कहते हैं जी हाउस बेस कैंप, वहाँ पे जाना है हमने। अच्छा जी, हम ऑलमोस्ट नीचे पहुँच चुके हैं। वो ये जो पीछे पीक नज़र आ रही है, ये वाली, इन दोनों के बीच में जो है, वहाँ गए थे हम। और यहाँ पे ये सामने एक घर सा नज़र आ रहा है, बेसिकली वो होटल है, और वहाँ तक हमने जाने। ज़्यादा हमने कवर कर लिए और बस ये थोड़ा सा ही रह गए, तकरीबन 10-15 मिनट मैक्सिमम। हाँ तो भाई, हम पहुँच गए अपने पॉइंट पे। परसों हमने रात इधर की थी और हमारे बाइक खड़े हुए हैं सामने एक, और वो अपना शिकरा, और इधर थोड़ी रेस्ट करते हैं, इधर थोड़ी रेस्ट करते हैं और फिर नीचे जाते हैं, क्योंकि थके हुए हैं यार। तकरीबन 2-2.5 घंटे की हाइकिंग करके आए हुए हैं, और बस वापसी का सफ़र स्टार्ट। अभी आपको व्यू दिखाएंगे जिस रास्ते से हम रात को आए थे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ओ वीडियो, वाह, ये है हमारी वीडियो पेट्रोल वाली जगह। मेरे ख्याल से वीडियो ख़त्म हो गई है।
हाथ वाला पुल जहाँ से हम गुजरे थे परसों रात, और ये पुल है सामने ये वाला, लेकिन ये टूटा हुआ है। पता नहीं पानी ज़्यादा आया था उस वजह से, पता नहीं क्या चक्कर है। हम पहुंच गए जी केल में, केल केल, दिस इज केल। अच्छा यार हम पहुंच गए केल में, कोई नहा लिया हमने, फ्रेश हो गए हैं, और अभी इधर आके पता चला है भाई कि बाइक की ना ये राइड वाली शाख जो है ना फारिग हो गई है, लीक हो गई थी, ये सारा ऑयल पड़ा हुआ है इधर ही ऊपर, तो अभी इसको कुछ भी नहीं करा रहे, लेके जाते हैं सेप्टाबाद, और सेप्टाबाद में इसकी सारी मेंटेनेंस वगैरह सारी उधर ही होगी। अभी चलते हैं, कोई नमाज वमाज पढ़ते हैं और खाते पीते हैं और निकलते हैं सीधे सेप्टाबाद को, और हमारा व्लॉग इधर ही ख़त्म होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। यार चैनल को सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करना है, लाइक भी करना है। अल्लाह हाफिज़।